नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थावास खबर मधेपुरा से। आगामी रामनवमी पर्व को लेकर मुरलीगंज थाना परिसर में बुधवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष राजकिशोर मंडल ने की। मौके पर एसडीएम नीरज कुमार, एसडीपीओ अजय नारायण यादव, अंचलाधिकारी मुकेश कुमार सिंह आदि मौजूद थे। बैठक में निर्देश दिया गया कि शोभा यात्रा में डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, किसी भी तरह का हो हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती भी चप्पे चप्पे पर की जाएगी। मौके पर मनोज कुमार, देव किशोर यादव, उपेंद्र यादव, रुद्र नारायण यादव, रामजी शाह, कपिल देव पासवान, राजीव कुमार राजा, अविनाश कुमार सिंह, उदय चौधरी, राजीव कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग बैठक में मौजूद थे। मुरलीगंज में शांति समिति रामनवमी को लेकर के हम लोग सभी बैठे थे। इसमें जो डायरेक्शन है, पूर्व से ही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, डीजे बिल्कुल इसमें जैसे प्रतिबंध रहता है पूरे वर्ष, उस तरह से डीजे जो है प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त सभी लोग जो है अपना जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से अपना निकालें, और हम लोग की तरफ से जो विधि व्यवस्था का जो है वो सारा चीज़ रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। लोगों के द्वारा भी ये कहा गया कि जो है हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना शोभा यात्रा निकालेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, 11 अप्रैल को शोभा यात्रा सर? बिल्कुल, हमारे सभी चौक चौराहे पे जो हमारे फोर्स और मिनिस्टर का डेप्यूटेशन रहेगा, और साथ ही जो जो प्रोसेशन है पूरे रास्ते में जो है हमारी उपलब्धता रहेगी वहाँ पर। मधेपुरा से रामानंद कुमार की रिपोर्ट।